आज जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रही हूँ वो कहानी दो दोस्तों की दोस्ती पर मुश्तमिल है। साथ ही साथ उसमें एक रूह का भी जिक्र किया गया है। यहाँ आप लोगों को एक बार फिर से बताती चलूँ कि मैं रूहों पर यकीन नहीं रखती। मैं नहीं जानती इस कहानी की क्या हकीकत है, क्योंकि एक कहानी लिखने वाले ने कोई हकीकत यहाँ बयान नहीं की, इसलिए मैं आप लोगों को गलत नहीं कहना चाहती। साथ ही साथ ये बता दूं कि ये कहानी मुझे अच्छी लगी, इसलिए सोचा कि इसे आप लोगों के साथ शेयर भी करूं। उम्मीद है कि आप लोगों को कहानी पसंद आएगी। तो आए सुनते हैं कि वो कहानी क्या है। आमिर और नादिर दोनों बहुत अच्छे और गहरे दोस्त थे। दोनों गांव के रहने वाले थे और दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, जिसकी वजह से उनके उस्तादजा हमेशा उनकी तारीफ किया करते थे और उन पर फख्र किया करते थे। आमिर और नादिर ने गुज़िश्ता रोज पहले मैट्रिक के पेपर दिए थे और अब वो वक्त आ गया था जिसका उन दोनों को बहुत इंतज़ार था। जब उनका रिजल्ट आया तो उसमें आमिर ने पहली पोजीशन और नादिर ने दूसरी पोजीशन हासिल की, जिसका वो दोनों बहुत खुश थे और दोनों आगे पढ़ाई के लिए शहर जाने की ख्वाहिश रखते थे। दोनों ने अपनी ख्वाहिश का जिक्र अपने घर वालों से किया, जिस पर उनके घर वालों ने बाखुशी शहर जाकर कॉलेज में दाखिले की इजाज़त दे दी और वो दोनों शहर की तरफ चले गए। कॉलेज शहर से थोड़ी दूर था, जहां दोनों ने बआसानी दाखिला ले लिया। आज उनका कॉलेज में पहला दिन था। आमिर अपने डेस्क पे अकेला बैठा हुआ था। यहाँ पर लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते थे। आमिर ने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की कॉलेज में आई, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। आमिर ने इसे देखा तो इसे पहली ही नजर में दिल दे बैठा, क्यों ना देता। वो लड़की थी ही इतनी खूबसूरत, इत्तफाक से वो लड़की आमिर के साथ ही बैठी थी। आमिर बहुत खुश हुआ कि वो जिस लड़की को चाहता है वो इसके पास ही बैठी है। वो सोचने लगा कि मैं इससे इसका नाम पूछता हूँ, लेकिन फिर इसको ख्याल आया कि कहीं वो बुरा ही ना मान जाए, लेकिन वो ना रह सका और इस लड़की को सलाम कर दिया। लड़की ने जवाब अच्छे अंदाज में दिया। इसका अंदाज देखकर वो सोचने लगा कि काम बन सकता है। तब इसने इसका नाम पूछ लिया। मेरा नाम आसिया है, मगर ये आप क्यों पूछ रहे हैं? आमिर ने कहा, वैसे ही पूछ रहा था। आसिया ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आमिर है। आमिर मैट्रिक में कितने नंबर लिए थे? जी, मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप वैसे भी मुझे बहुत ज़हीन लगते हैं। जी शुक्रिया, लेकिन आपने कितने नंबर लिए थे? मेरे नंबर बहुत ही कम आए थे। फिर भी कितने? आमिर ने पूछा। इसने नंबर बताए तो आमिर ने कहा, मैं आपको पढ़ा दिया करूँगा। वेरी गुड, वो खुश होते हुए बोली। कॉलेज में छुट्टी हो गई। आमिर और नादिर अपने कमरे में बैठे हुए थे। नादिर ने आमिर को कहा, आमिर साहब, वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे? कौन सी लड़की? आमिर ने बात को छुपाते हुए कहा, इतने बच्चे भी ना बनो। बताओ वो लड़की कौन थी जो तुम्हारे साथ बैठी थी? वो मेरी क्लास फेलो है। हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, नादिर ने कहा। पहली ही मुलाकात में कह दिया कि वो बहुत ही अच्छी लड़की है। चलो छोड़ो इन बातों को और अपना सबक याद करो, जो जो हमने कल को अपने प्रोफेसर को सुनाना है। चलो जल्दी करो, वैसे भी हम अपने घर से पढ़ने के लिए आए हैं, लिहाजा हमको पढ़ना चाहिए। फिर हारून ने कहा, चलो खाना खाने चले, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है।
वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए और एक होटल की तरफ चल दिए। वहां एक सीट पर बैठ गए, फिर वहां पर बैठकर खाना खाया और कमरे में आ गए और फिर सो गए। सुबह 7 बजे उठे, कपड़े बदले, खाना खाया और कॉलेज चले गए। असल में वो दोनों हॉस्टल में रहते थे। वो कॉलेज में पहुंच गए, आमिर अपनी सीट पर बैठ गया, आसिया अभी तक नहीं आई थी। फिर थोड़ी देर बाद आसिया भी आ गई और आमिर के साथ ही बैठ गई। आमिर को इसको देखकर इसकी जान में जान आई। आमिर साहब, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ, आपकी कमी महसूस कर रहा था। वो किस खुशी में? इसलिए कि आप मेरी क्लास फेलो हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम खूब पढ़ो ताकि तुम FA में फर्स्ट पोजीशन ले सको। आमिर, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। वैसे आपके पापा क्या करते हैं? वो मजदूरी करते हैं। और फिर इसने अपनी कहानी सुना दी, जिसको सुनकर वो बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आमिर, तुम्हारी कहानी बहुत दुखी है। तुम्हारे भाई पढ़े लिखे हैं और मजदूरी करते हैं। मेरे पापा फैक्ट्री में काम करते हैं। मैं आपके भाई के काम की बात करूंगी। अगर तुम मेरा ये काम कर दो तो मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगा। फिर छुट्टी हो गई। आमिर आसिया के साथ बातें करता जा रहा था। बातों बातों में कहने लगा कि मेरा एक दोस्त नादिर है, वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। कोशिश करना कि हमारी बात नादिर तक ना पहुंचे। वो अमीर आदमी है, बहुत खुदफज है, हमेशा अपनी बात मनवाता है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, 5 बजे फिर आऊंगा। तुम तैयार रहना, अपना पता तो दो। आसिया ने कर दिया। फिर आमिर अपने कमरे में आ गया। आमिर ने कपड़े बदले और फ्रेश होकर खाना खाया और अपना पढ़ने लगा। अब मेरी पढ़ाई खत्म हुई। टाइम देखा तो 4:30 बजे थे। आमिर फौरी उठा और अपने कमरे से बाहर निकला और आसिया के एड्रेस पे चला गया और इसने इसका घर तलाश कर लिया और जाकर बेल भी दरवाजा आसिया ने ही खोला। तुम इस वक्त यहाँ? वो इसे देखते ही बोली, हाँ, आपसे मिलने को दिल चाह रहा था, सो चला आया। आप बहुत अच्छे हैं, वो मुस्कुराई। क्या मुझे अंदर आने नहीं दोगी? क्यों नहीं जनाब, आइए। वो एक तरफ हट गई और आमिर इसके घर में दाखिल हो गया। वो इसकी बैठक में जाकर बैठ गया। फिर आसिया किताबें लेकर इसके पास आ गई और आमिर से पढ़ने लगी। काफी देर तक वो बातें भी करते रहे और पढ़ते भी रहे। फिर आमिर बोला, मैं अब चलता हूँ। नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, खाना खा कर जाना। नहीं, फिर सही, मुझे जल्दी है, वो बोला। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ओके, इसने कहा और चल दिया। और फिर इनकी मुलाकात ऐसे ही होने लगी। नादिर, जो आमिर का दोस्त था, वो इन दोनों की दोस्ती से बहुत जलता था। इसने कहा, आमिर, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। मेरा मतलब है, तुम जिस लड़की के चक्रों में पड़े हो वो अच्छी लड़की नहीं है। प्लीज नादिर, दोबारा ये बात अपने मुंह से भी ना निकालना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। दिन गुजरते गए। आसिया और आमिर की दोस्ती बढ़ती रही। नादिर ने आमिर को दोस्त मानने से इनकार कर दिया था। अब इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई थी। इम्तिहान भी सर पर आ गए थे। आमिर तैयारी में मसरूफ था। आज पहला पेपर था। दोनों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी। पेपर बहुत अच्छा हुआ था। आमिर और आसिया का दूसरा पेपर भी अच्छा हुआ। आखिर सभी पेपर अच्छे हुए और फिर एक एक करके सभी पेपर अच्छे हो गए। नादिर इसी सोच में था कि वो किसी तरह से आसिया को रास्ते से हटा दे। अब चूंकि इम्तिहान खत्म हो गए थे और आमिर घर जाने की तैयारी करने लगा, इसने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। जब इसने अपना बैग देखा तो उसमें पैसे नहीं थे। वो परेशान हो गया, मेरे पैसे किसने निकाले हैं? नादिर कमरे में आया तो हैरान हो गया। वो बोला कमरे में आया
तो हैरान हो गया और बोला, हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे पैसे मैंने निकाले हैं। आमिर बोला, अगर तुमको पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेते। वो बोला, मैं तुमको कभी भी पैसे नहीं दूंगा, और मैं देखता हूँ कि कौन तुम्हारे काम आता है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। आमिर ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। नादिन ने अपना सामान बांधा और अपने घर चला गया। आमिर सीधा आसिया के घर चला गया। दरवाजा आसिया ने ही खोला और फिर वो इसको अंदर ले गई। वो उसको परेशानी में डूबा हुआ देखकर बोली, है तो है, तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ क्यों है और इस तरह बुझे बुझे से क्यों हो? आसिया, नादिन ने मेरे बैग से पैसे निकाल लिए हैं और वो अपने और वो देने का नाम ही नहीं ले रहा। और फिर सब कुछ इसने आसिया को बता दिया। आमिर, आपको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे होते हुए तुम परेशान मत हो, मैं अभी लाकर देती हूँ। इतने में आसिया की अम्मी भी आ गई और उसने कहा कि आमिर बेटा, आसिया तुम्हारी बहुत तारीफ नहीं करती है, तुम 1 साल यहाँ आते रहे हो, आसिया ने तुम्हारा कुछ मसला बताया है, ये लो ये पैसे रख लो, शुक्रिया आंटी। इतना कहकर आमिर ने इनसे पैसे ले लिए और वापस चला आया और फिर अपने घर पहुंच गया तो सब घर वाले बहुत ही खुश हुए। बेटा, इम्तिहान कैसा हुआ? इम्तिहान कैसे हुए? अम्मी जान बहुत ही अच्छे हुए हैं। और फिर सबसे वो मिलता जुलता रहा और 15 दिन हो गए इसकी नादिर से मुलाकात ना हो सकी, तो इसका दिल चाहा कि वो नादिर से जाकर मिले। ये सोचकर वो उसके घर चला गया और पूछने पर पता चला कि वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है। तो घर वापस आ गया और सोचने लगा कि वो किस शहर में जा सकता है, एक एक बात का हिसाब लेना है। फिर उन्होंने इसको और सोचने लगा कि वो किस शहर जा सकता है। नादिर अपने दोस्तों के साथ मिलकर आसिया को अगवा करने की कोशिश कर रहा था। वो सुबह से कोशिश कर रहे थे। आखिरकार आसिया को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ गया तो वो पैदल ही जा रही थी। अब थोड़े मकान थे, उन्होंने मौका देखते ही इसको उठवा लिया और एक वीराने में ले गए। वो इनकी मिन्नतें करती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने कहा, तुमको हम छोड़ने के लिए उठाकर नहीं लाए हैं, तुमसे एक एक बात का हिसाब लेना है। फिर उन्होंने इसको खूब मारा, यहाँ तक कि नादिन ने इसके पेट में छुरी घोंप दी। वो तड़पने लगी, वो इसकी मौत का तमाशा देखते रहे। जब इसकी सांसें बंद हो गईं, तो वो इसको एक खंडर में फेंक कर फरार हो गए। 3 माह बीत गए, इसको मरे हुए रिजल्ट भी आ चुका था, आसिया की पहली पोजीशन आई थी। आमिर बहुत खुश था, वो कॉलेज गया और अगली क्लास में बैठ गया। वो अकेला था, नादिर भी अकेला था, आसिया भी क्लास में नहीं आई थी। आमिर परेशान हो गया कि आसिया क्यों नहीं आई। वो उसको देखने के लिए तरस रहा था, लेकिन वो उसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा दिन बीत गया, यूं पूरा हफ्ता बीत गया, लेकिन आसिया कॉलेज में ना आई। तो इसने इसके घर जाने का प्रोग्राम बना लिया कि एकदम इसको आसिया की आवाज सुनाई दी। आसिया, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ। आमिर, मैं तुम्हारे सामने नहीं आ सकती हूँ, मैं मर चुकी हूँ, मुझे मार दिया गया है। ये सुनना था कि आमिर जैसे पागल हो गया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ, मैं मर चुकी हूँ। और इसने सारी कहानी आमिर को सुना दी कि मुझे तुम्हारे दोस्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर मार दिया है, इसने मुझसे बहुत ज्यादती की, मेरी रूह इसकी वजह से भटक रही है, मैं इससे इंतकाम लेने के लिए बेचैन हो रही हूँ, तुम इस काम में मेरा साथ दो। आसिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा दोस्त इतना घटिया भी हो सकता है। देखो, तुम्हारी पहली पोजीशन आई है, तुम्हारी पहली पोजीशन आई है। वो ये सुनकर मुस्कुराई और बोली कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे क्या फायदा पोजीशनों का?
हाँ जानता हूँ कि अब तुम्हें इसका कोई फायदा नहीं है, फायदा नहीं है, लेकिन मैं इस दरिंदे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी जान को मारा है। इतना कहकर वो अपने कमरे में जाने लगा। वहां पहुंचा तो वो तीनों दोस्त पुरसुकून नींद सोए हुए थे। आमिर वहां खड़ा रहा, आसिया की रूह इसके पीछे खड़ी थी। आसिया की रूह ने इन तीनों को जगाया। वो तीनों उठे तो आसिया को देखकर हैरान रह गए। इनको यकीन नहीं आ रहा था कि इनके सामने आसिया खड़ी है। इनकी जुबानें गूंगी हो चुकी थी। तुम तो मर चुकी थी, फिर यहाँ कैसे? हाँ मैं मर चुकी हूँ, तुम लोगों ने मुझे मार दिया था, लेकिन ये मैं नहीं हूँ, मेरी रूह है जो तुमसे इंतकाम लेने आई है। मैं वही कुछ करूंगी जो तुमने मेरे साथ किया था। मैं तुम तीनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तड़पा तड़पा कर मारूंगी जिस तरह तुम लोगों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मारा था, बिल्कुल इसी तरह मैं तुम लोगों को मारूंगी। आमिर एक तरफ खड़ा था, उसको बहुत दुख हो रहा था। किसकी महबूबा को इन लोगों ने मार दिया था? वो इन तीनों को देख रहा था जो डरे हुए थे। आसिया को देखकर इनके चेहरे रेड पड़ गए थे। आसिया इनके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी, इनकी बेबसी पर हंस रही थी। वो भी इस वक्त ऐसे ही बेबस थी, लेकिन उन्होंने इसकी एक भी ना सुनी थी, इसे मार दिया था। फिर वो इनको कैसे छोड़ सकती थी? इसने अपने मुंह से आग निकाली और एक तेज फूंक मारी। आग सीधी नादिर की तरफ बढ़ी। इसके कपड़ों को आग लग गई और वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा, लेकिन कोई भी इसको बचाने वाला ना था। सब इसके पास मौजूद थे, लेकिन इसको बचाने वाला कोई ना था। वो तड़प तड़प कर मर रहा था, चीख रहा था, और दूसरे साथी आसिया से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। जालिमों, याद करो वो दिन मैंने भी तुमसे इसी तरह जिंदगी की भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी ना दी, मुझे मार दिया। और अब मैं तुमको कैसे छोड़ सकती हूँ? जिस तरह तुम्हारा ये दोस्त जलकर मरा है, इसी तरह तुम भी जलकर मरोगे। लेकिन नहीं, मैं तुमको जलाऊंगी नहीं, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे प्यास लगी हुई है, तुमने मुझे प्यासा मारा था, मुझे प्यास लगी हुई है। इतना कहकर इसने एक लड़के का गिरेबान पकड़ा और ऊपर उठा लिया और उसकी गर्दन में अपने दांत घोंप दिए। इसका खून पीने लगी, वो इसके हाथों में तड़प तड़प कर मर गया। इसने इसको एक तरफ फेंक दिया। मेरी प्यास अब भी नहीं बुझी, इसने दूसरे लड़की की तरफ देखते हुए कहा। दूसरे लड़की की तरफ देखते हुए कहा, मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। इतना कहकर इसने इसको भी गर्दन से पकड़ लिया और इसका भी खून पीने लगी। वो भी इसके हाथों में तड़पने लगा और फिर वो भी तड़पते तड़पते ठंडा हो गया। इसने इसको भी एक तरफ फेंक दिया और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, आमिर मेरा इंतकाम पूरा हो गया है। अब तुमने मेरा एक काम करना है, एक खंडहर में मेरी लाश पड़ी हुई है, इसको उठाकर दफनाना है। आसिया मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। हाँ करो, कौन सी बात है? आसिया मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। नहीं आमिर, तुम ऐसा ना कहो। अब ऐसा कहने का कोई कोई भी फायदा नहीं है। मैं मर चुकी हूँ और मरे हुए इंसानों से तुम कोई और मरे हुए इंसानों से मोहब्बत नहीं और मरे हुए इंसानों से तुम कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर लेना, मुझे बहुत खुशी होगी। इतना कहकर वो गायब हो गई और आमिर इन तीनों को देखता रहा, फिर वहां से निकल गया। दूसरे दिन इसने खंडहर में जाकर इसकी लाश को तलाश किया। लाश क्या था? हड्डियों का एक ढांचा वहां पड़ा हुआ था। वो इसको उठाकर इसके घर ले गया। जब इसके घर वालों ने आसिया के जिस्म को हड्डियों के ढांचे में देखा तो वो रोने चीखने लगे, लेकिन इसके अलावा वो कर भी क्या सकते थे सिवाय दफनाने के। उन्होंने इसको नमाज जनाजा के बाद दफना दिया। वो सब कब्रिस्तान से चले गए, लेकिन आमिर इसकी कब्र पर खड़ा रहा। इसने देखा कि आसिया की रूह एक दरख्त के साथ खड़ी थी। वो बहुत खुश थी कि इसके जिस्म को दफना दिया गया है। वो धीरे धीरे आमिर के पास आई।
आमिर, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे मुर्दा जिस्म को तलाश करके मुझे मेरे मुकाम पर पहुंचा दिया। अब मेरी रूह को करार मिल गया है, मैं जा रही हूँ, और आज की बात मैं तुमको कभी भी दिखाई नहीं दूंगी। तुम घर जाकर शादी कर लेना। इतना कहकर वो गायब हो गई। वो उसे देखकर रोता रहा। आसिया के घर वालों ने उसको कहा कि तुम यहाँ रहा करो, क्योंकि हम चाहते हैं कि आसिया की कमी तुम्हारे वजूद से हमेशा हमारे सामने रहे। वो इनके घर में रहने लगा। फिर इसने एफए भी कर लिया। इस बार फिर इसकी पहली पोजीशन आई थी और आसिया के पापा ने इसको सरकारी नौकरी पर लगवा दिया और 1 साल बाद इसकी शादी कर दी। आमिर अपने घर नहीं गया था और ना ही इसने अपनी शादी कर किसी घर वाले को बुलाया था। इसके 4 बच्चे हैं और वो बहुत खुशी में भरी जिंदगी बसर कर रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी की क्या हकीकत है क्या नहीं, मैं नहीं जानती। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।